बीकानेर से आ रही है दलित युवती से गैंगरेप मर्डर मामले में अपडेट। खाजूवाला थाने के बाहर धरना लगातार जारी है। परिजनों सहित महिलाओं ने थाने में घुसने की कोशिश तक की। थाने के बाहर भारी पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया है। 24 घंटे बीतने के बाद भी अब तक शव का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है। परिजनों सहित स्थानीय लोग अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। बीजेपी के नेता भी धरने पर अब इस वक्त मौजूद हैं। रेंज आईजी और एसपी भी पहुंचने वाले हैं खाजूवाला। 24 घंटे बीतने के बाद भी अब तक शव का पोस्टमार्टम नहीं हुआ। और अब देखिए यहाँ पर जो महिलाएं धरने पर बैठी हुई थी, जो परिजन वहां पर मौजूद थे, जो ग्रामीण वहां पर मांगों को लेकर डटे हुए थे, उन्होंने थाने के अंदर घुसने की कोशिश की है और लिहाजा वहां पर एक बड़ा पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया ताकि किस तरह की कानून व्यवस्था ना बिगड़े। ये आपको थाने के बाहर की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर देखिए आपको घूंघट में महिलाएं भी नजर आ रही हैं और इन महिलाओं ने थाने के अंदर घुसने की कोशिश की। पिछले 24 घंटे से शव का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग, 1 करोड़ की मुआवजे की भी यहां पर राशि की मांग की जा रही है। मनीष हमारे संवाददाता इस खबर पर जरा जानकारी के साथ जुड़ गए। मनीष जरा बताइए क्या कुछ चल रहा है थाने के बाहर। हम देख पा रहे हैं कि महिलाओं ने घुसने की कोशिश की है अंदर। रेंज आईजी ओम प्रकाश और एसपी जो बीकानेर की हैं तेजस्विनी गौतम, वो भी थोड़ी ही देर में खाजूवाला जो है पहुंच जाएंगी। और खाजूवाला पुलिस थाने के बाहर लगातार जो है मृतका के परिजनों का और स्थानीय लोगों का जो धरना है वो जारी है। राजनीति भी इस पे शुरू हो चुकी है। बीजेपी नेता भी धरने पर बैठे हुए हैं। वहीं सबसे बड़ा जो अपडेट आया है वो ये है कि जो कुछ महिलाएं थी मृतका के परिजनों की भी और इतनी जो महिलाएं थी जो धरने में शामिल हैं, उन्होंने थाने में घुसने की कोशिश की है। हालांकि जो पूरा इलाका है पुलिस थाना है उसको छावनी में तब्दील कर दिया गया है और जो महिला पुलिसकर्मी थी उन्होंने भी उन महिलाओं को घुसने से रोक दिया है। लेकिन जो अभी एक और लेटेस्ट अपडेट आया है वो ये है कि थाने में घुसने की कोशिश करने के दरमियान और गर्मी के चलते लगातार इस धरने में बैठे रहने से 2 महिलाओं की तबीयत खराब हो गई। तबीयत बिगड़ने के बाद में उन दोनों महिलाओं को खाजूवाला की सीएचसी में एडमिट करवाया गया है जहां उनका इलाज किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह के हालात हैं फिलहाल में वहां पर तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं। जो परिजन हैं वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं कि जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। इसके अलावा जो खाजूवाला थाने का जो स्टाफ है पूरा पुलिस थाने स्टाफ को ही लाइन हाजिर किया जाए। 1 करोड़ की मांग और सरकारी नौकरी जो है वो दी जाए। बनाए रखिएगा, तनावपूर्ण स्थिति है। हमारे संवाददाता बताते हुए 2 महिलाओं की तबीयत भी धरने के दौरान यहाँ पर बिगड़ती हुई नजर आई है और आप देखिए किस तरीके से बड़ी संख्या में महिलाएं जो वो अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी उन्हें रोक दिया गया। ये एक कोई समाज की बेटी नहीं थी, ये पूरे 36 कौम की बेटी थी, ये हमारे भारत माता की बेटी थी। जिसके जितने भी उसमें नामजद मुलजिम हैं उनको अभी तक एक को भी गिरफ्तार इन लोगों ने नहीं किया है। ये बिंदु हमने सबसे पहले बिंदु यही रखा है। दूसरा हमारा बिंदु ये है कि यहाँ का पुलिस थाने का पूरा स्टाफ लाइन हाजिर हो, ये रखा है। तीसरी हमारी मांग है जो है कि इस पीड़ित परिवार में से किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिले। और इस खबर